तो जय माता की बोलिए। आज नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए हमारा हलवा और छोले रेडी हो गए हैं भोग के। तो सूर्य देव भगवान की जय। और इस समय बज रहा है 7 और मैं झाड़ू वगैरह पोछा कर करके, क्योंकि मेरी तो देर से आती है और आज है नवमी की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो झाड़ू पोछा सब कर चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने नहाने के बाद झाड़ू पोछा करके नहा करके मैंने छोले उबलने रख दिए हैं देखिए। और इधर हलवा बनाऊंगी अभी और ये पूड़ी तलूंगी। हलवा पूड़ी का भोग लगेगा, बस छोले उबल जाते हैं उसके बाद। जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक मैं पहले पूजा के बर्तन साफ कर लेती हूँ। पूजा के बर्तन साफ करने के बाद फिर हलवा वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। हलवे में ना बराबर का घी चाहिए, बराबर का घी डालिए, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है देखिए, एकदम बिखरा बिखरा बनेगा। और उसमें मैं ना फूड कलर डाल देती हूँ थोड़ा येलो, तो बहुत अच्छा कलर आया, बिल्कुल हलवा ही जैसा। जय दुर्गा मैया वैष्णो मैया की जय। दया कर दो मेरी मैया, बदरिया गम की छाई है, बना दो बिगड़ी भी मेरी जो लाखों की बनाई है। नारियल मैया तुम्हारी भेंट जो लाए, करो माँ कामना पूरी, सवारी बन के जो आए। बोल सांचे दरबार की जय। बाल शेरा वाली मैया की जय। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा हो चुकी है और आज है आखिरी नवरात्रा। तो आज हम नौमी कर रहे हैं, तो बस हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम किचन में जाएंगे। हमारी सब तैयारी है रेडी और हलवा बन चुका है, छोले भी बन चुके हैं हमारे। और अब अनु कन्या ढूंढ करके लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कन्या पार्क में खेल रही है, अभी बच्चे बुलाने जा रहे हैं बस। तो हमने आज ना खाना वगैरह पूरा नहीं बनाते हैं, जैसे कचौड़ी वगैरह बच्चों को खाना पूरा नहीं, केवल हलवा और चने ही देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दशहरा होता है ना, दशहरा की पूजा होती है, तो दशहरे पे भी हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, इसलिए आज हम केवल हलवा और छोले। तो बाकी सब काम हो गया, बच्चों को देख लेना है ना, जब तक हम दोने वगैरह लगाते हैं। और दोनों लगाने के बाद इस समय बज गया 9:30। आज छुट्टी भी थी, थोड़ा 9:30 बजा हुआ अपनी, तो इतना लेट भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आराम से काम हो गया। और हम देखिए हमारे छोले और हलवा रेडी है और हम छोले में लगा लेते हैं इनको, जब तक ये बच्चे पकड़ के लाएंगे, क्योंकि बच्चे आज नौमी का दिन ना, बच्चे बड़ा वहाँ पर तफरी रहती है, भागा दौड़ी। तो पार्क में बच्चे खेल भी रहे हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, शायद दिख रहे हो पार्क में बच्चे है ना। अभी तो सुबह मॉर्निंग में काफ़ी बच्चे थे पार्क में, अब इस समय थोड़ा सा ढूंढने से मिलेंगे, क्योंकि जब हमारा टाइम आता है ना तो बच्चों को ढूंढना पड़ता है, नीचे जाकर ढूंढ करके लाएंगे। एक दो बच्चे हो भी सकते हैं पार्क में, दोने लगा के रख देते हैं, आते जाएंगे देते जाएंगे, हमेशा ऐसे ही होता है कि बच्चे मिल नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम लगा लेते हैं दोने और बताइएगा किस किस ने कैसे कैसे अपनी नौमी की पूजा की है। और किसी के 8 होती हैं, बहुत से लोगों के 7 भी होती हैं, कहीं कहीं 7 भी होती हैं, एक दो लोगों के यहाँ, लेकिन ज़्यादातर नौमी ही होती है। तो दोने ये वाले हैं देखिए, इनमें आराम से बच्चों को पैसे भी रख दिए जाएंगे और छोले और हलवा भी रख दिया जाएगा। कन्या बरुआ हो चुके हैं और अनु भजन अपने सुनना है, देवी माँ के लखा के गीत सुनना है। तो तेरी लखा के भजन लगा रखे हैं उन्होंने और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम के टाइम हम देवी जी की विदाई करेंगे। तो विदाई का आपके साथ शेयर करेंगे आपके साथ।